हेलो एंड वेलकम बैक टू बेक्स बाय कनिका। आइए आज हम यूरोप एंड यूएस की एक बहुत पॉपुलर ब्रेड और स्नैक बनाते हैं जिसे हम प्रेट्ज़ल कहते हैं। ये एक बहुत ही एक क्रिस्पी चूई ब्रेड है जो एक यमी और सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड है। इसे हम एक बहुत ही यूनिक वे से बनाते हैं, तो आइए ये यमी स्नैक बनाना शुरू करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ किया है। आप इसे आराम से हैंड से भी नीट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम गुनगुना पानी यानी ल्यूकवार्म वाटर लेंगे और उसके अंदर हम शुगर डाल देंगे। शुगर मैंने कैस्टर शुगर का यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर ईस्ट डाल देंगे। मैंने इंस्टेंट ईस्ट ली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम ब्राउन शुगर डालेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ब्राउन शुगर डाली है। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर हमारे प्रेट्ज़ल में आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपना मैदा डालेंगे। मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है। इसमें यूज कई बार आप ब्रेड फ्लावर और ऑल पर्पज़ फ्लावर को मिक्स करके भी डालते हैं, बट मुझे ऑल पर्पज़ फ्लावर से बने प्रेट्ज़ल भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैंने मैदा इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर हम मेल्टेड बटर डालेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा और फिर इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसको नीड करना शुरू करेंगे। हम इसको लो स्पीड से नीड करना शुरू करेंगे और जब तक हम ये अच्छे से नीड ना हो जाए हम इसको नीड करते रहेंगे। बेसिकली डो हमारा स्मूथ हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा और जब हम उसको खींचेंगे तो वो अच्छे से विंडो पेन टेस्ट को पास कर जाएगा। मतलब कि जब हम डो को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें होल्स नहीं आने चाहिए, तो इसको हम विंडो पेन टेस्ट कहते हैं और तब तक हम इसको अच्छे से नीड करेंगे। ये डो थोड़ा सा स्टिकी होता है तो इसको आप आराम से इसको अब हम काउंटर टॉप पे निकाल कर हम इसको हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। अब हम एक ग्रीस्ड कंटेनर में, मैंने इस बोल के अंदर ऑयल लगा लिया है और उसके अंदर अब हम इस डो को रख के इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप से और इसको अच्छे से ग्रीस करके प्लास्टिक रैप से कवर करके हम इसको डबल इन साइज होने तक इसको एक हल्के से वार्म प्लेस पे रख देंगे। अगर आप विंटर्स हैं तो इसको हल्के से वार्म प्लेस में रख दीजिए, नहीं तो आप समर्स ही में या जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है उसको आप काउंटर टॉप पे भी छोड़ेंगे तो अच्छे से राइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1.5 आवर्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इन योर एरिया। अब देखिए हमारा डो डबल इन साइज हो गया है। अब हम इसको काउंटर टॉप पे निकाल के और एक बेइंग स्केल की हेल्प से हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 grams ईच में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। मैंने 105 to 106 grams का एक पर्टिकुलर प्रेट्ज़ल बनाया है तो मेरे इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 प्रेट्ज़ल्स बन गए हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम एक बॉल ऑफ डो को लेंगे और उसको हम हैंड से इस तरीके से रोल करते हुए हम उसको लंबा कर लेंगे। तो अब हम प्रेट्ज़ल की शेप बनाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको कितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप हाथ से इसको करते हुए आप उसको साइड्स तक लेते जाइए तो ये लंबा होता जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका, क्योंकि ये जो डो है ये थोड़ा थोड़ा बीच में रिट्रैक्ट दैट इज वो वापस आता जाएगा, तो इसलिए बीच बीच में उसको उठाते रहिएगा और इस मोशन से जैसे आप देख रहे हैं आप कर सकते हैं तो लंबा हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा उसको टैप करेंगे फ्लोर पे तो भी वह आराम से लंबा हो जाएगा। अब हम इसका इस तरीके से एक यू बनाएंगे, फिर हम इसको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेंगे, फिर हम एक बार और क्रॉस करके उन दोनों एंड्स को उठा के उसको इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और ऊपर के डो पे हम इसको स्टिक कर देंगे। तो देखिए आ गई ना प्रेट्ज़ल की शेप। ये एक बहुत यूनिक शेप है जिसको हम प्रेट्ज़ल्स में यूज करते हैं। तो अब हम इस प्रेट्ज़ल को उठाकर हम एक बेकिंग शीट पे रख देंगे जिसपे मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है। इससे क्या होगा कि आपका प्रेट्ज़ल आपके बेकिंग शीट पे स्टिक नहीं करेगा। इस तरीके से हम प्रेट्ज़ल अपनी बेकिंग शीट पे रख देंगे। सिमिलरली हम दूसरे और भी
प्रेटल्स बना लेंगे। अभी आप एक बार और आप देख लीजिए कि ये मैंने इसको कैसे बनाया है। ब्रेडजल्स को जो डिफरेंट बनाता है एक नॉर्मल ब्रेड से वो है कि हम इसको हम पहले बॉईल करते हैं। तो हम एक लार्ज बोल में, एक लार्ज पैन में पानी को बॉईल कर लेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर्स वाटर मैंने बॉईल के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम 1/3 कप ऑफ बेकिंग सोडा डालेंगे। यस यू आर दिस इज राइट, इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और हम इसको एक अल्कलाइज्ड वाटर बना लेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से आप मिला लीजिए बेकिंग सोडा को इसमें डाल के, और ये देखिए ये क्लियर वाटर इस तरीके से बन जाएगा। अब हम एक एक करके इसके अंदर प्रेटजल डालेंगे और हम इसको 30 सेकेंड्स ईच साइड के लिए हम उसको बॉईल कर लेंगे। तो जो प्रेटजल का एक बहुत शाइनी चूई टॉप क्रस्ट आता है और बहुत सुंदर कलर आता है वो इसकी वजह से ही आता है। देखिए अब हमने इसके अंदर प्रेटजल इस तरीके से अपसाइड डाउन हम इसके अंदर उसको डाल देंगे और 30 सेकेंड्स के लिए हम इसको एक साइड पे बॉईल करेंगे और फिर हम उसको पलट देंगे तो वो दूसरे साइड से भी 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से ड्रेन करके पानी से हम उसको वापस अपने पार्चमेंट पेपर और बेकिंग शीट पे रख देंगे और इसी तरीके से हम सिमिलरली अपने बाकी सारे प्रेटजल्स भी बॉईल कर लेंगे। कई बार बॉईल करते समय हमारी ब्रेड क्योंकि ये एक्सपैंड कर जाती है थोड़ी सी तो कई बार होल्स मिक्स हो जाते हैं, तो आप हैंड से भी इसको अलग अलग इस टाइम पे कर सकते हैं। ट्रेडिशनली प्रेटजल्स में बेक करने से पहले हम इसके ऊपर एग वॉश लगाते हैं, बट क्योंकि मैंने इसमें इसको एगलेस ही बनाया है तो हम इसके ऊपर मैंने अच्छे से मिल्क, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर मिल्क है, हम उसको अच्छे से उसके ऊपर ड्रेंच कर देंगे, ऊपर से अच्छे उसको लगा देंगे तो एक बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसको देगा। और क्योंकि हमने इसको बेकिंग सोडा में बॉईल किया है, अल्कलाइज वाटर में बॉईल किया है, तो ये बहुत अच्छा एक ब्राउन और क्रिस्प टेक्सचर ऊपर से आएगा। तो प्रेटजल हमेशा अच्छे टेस्ट करते हैं जैसे ही आप ओवन में निकले उसको इमीडिएटली आप उसको सर्व करें तो ये बहुत अच्छा आपको टेस्ट देगा। तो अच्छे से आप इस पर मिल्क वॉश लगा लें। प्रेटजल्स पे एक बहुत यूनिक इसका टेक्सचर होता है जिसमें ऊपर हम अच्छे से एक सॉल्ट का मोटे मोटे सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, तो मैंने कोशर सॉल्ट लिया है जिसमें सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं, नहीं तो आप एक नॉर्मल सॉल्ट पीस के ऊपर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम सेसमे सीड्स भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और आप बाहर देखेंगे जैसे मैं US में जब हम गए थे तो वहाँ पे आंटी एंस के जो प्रेटजल्स मिलते हैं उसमें कई बार एक एलिपिनो फ्लेवर भी होता है जिसमें वो ऊपर इस तरीके से एलिपिनोज भी आप लगा सकते हैं। दिस इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ योर रेगुलर प्रेटजल, आप इसमें ये लगा दीजिए। कहीं जगह आप पेपरोनीज भी लगा सकते हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन प्रेटजल बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ऐसे छोटे छोटे पेपरोनीज भी स्टिक कर सकते हैं। और हम अब इसको बेक करेंगे एक 230 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 14-15 मिनट्स टिल द टाइम ये बहुत सुंदर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से सेसमे सीड्स भी स्प्रिंकल कर दिए हैं जो एक बहुत सुंदर आपको बेक होने के बाद एक अच्छा क्रंची और नटी टेक्सचर देगा। आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मुझे आगे वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक कि हमारे प्रेटजल्स बेक हो रहे हैं एक फटाफट से ऊपर की एक सीजनिंग बना लेते हैं जो बहुत अच्छा एक यमी फ्लेवर हमारे प्रेटजल्स को देगा। तो इसमें मैंने अपना थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा अनियन पाउडर, थोड़ा सा अपने जो गार्लिक ब्रेड की सीजनिंग होती है जिसमें आपका ऑरिगनो है, मिक्स्ड हर्ब्स हैं, रेड पेपरिका, और इन सबको मिला के और सॉल्ट, इन सबको हम मिक्स करके एक अच्छा सा अपना सीजनिंग बना लेंगे। तो ये देखिए अब इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए, बहुत ही यम्मी एक सीजनिंग हमारी बन जाती है। देखिए ये ब्राउन ब्यूटीज रेडी हैं, इतने सुंदर एंड अमेजिंग हमारे प्रेटजल बनकर आए हैं। अब इनको हम हमेशा गरम राइट आउट ऑफ द ओवन ही सर्व करते हैं एंड ये टेस्ट करते हैं बेस्ट जिस दिन ये बनते हैं, बट स्पेशली व्हेन राइट आउट ऑफ द ओवन। अब हम इन प्रेटजल्स पे अच्छे से एक बटर को इस पे ब्रश करेंगे जिससे कि एक बहुत यमी बटरी हमें इसका टेस्ट मिलेगा। वैसे तो प्रेटजल हम ऐसे भी खा सकते हैं, बट
एक ये जो हमें सीजनिंग में, अब हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। सीजनिंग में कोट करने से प्रेट्ज़ल का टेस्ट अनबिलीवेबली इम्प्रूव हो जाता है। ये इतने यमी और इतने टेस्टी लगते हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कोट करके इसको सर्व करें, और ये बिल्कुल गर्मा गर्म राइट आउट ऑफ द ओवन आप सर्व करेंगे तो ये बेस्ट टेस्ट करते हैं, बहुत यमी लगते हैं, एक बहुत अनबिलीवेबल अच्छा एक स्नैक है। इसको आप टी, चाय, कॉफ़ी किसी के भी साथ सर्व करें और अपनी फैमिली को इम्प्रेस करें। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय फॉर नाउ, टिल वी मीट अगेन, सी या, बाय बाय।